हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया क्या पोर्टेबल डिवाइस में बात कर रहा हूँ। वेल, ये एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जिसको लेकर अगर आप चलते हो राइड के दौरान या फिर कहीं पर भी जब आप ट्रिप वगैरह कर रहे हो तो आपका आधा जो टेंशन है वो टोटली दूर हो जाएगा। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, यू नो, टायर पंक्चर्स के लिए, टायर इन्फ्लेशन के लिए। सो टुडे आई हैव गॉट दिस, यू नो, वंडरफुल प्रोडक्ट दैट इज़ बाय Xiaomi। इट इज़ MI पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर एंड इनोवेशन फॉर एवरीथिंग। इसमें प्रीसेट प्रेशर दिया हुआ है, स्मॉल एंड कन्वीनियंट है, बिल्ट इन लिथियम बैटरी। सो इसमें लिथियम बैटरी से चलता है। इसमें साइकिल के लिए आप हवा भर सकते हो, बाइक्स के लिए हवा भर सकते हो, गाड़ी के लिए हवा भर सकते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी बॉल किस्म का जो हो उसका नोजल से आप इसको हवा भर सकते हो। इसमें PSI आपको मिलेगा, बार कोड भी मिलेगा, मतलब बार के हिसाब से जो हवा भरते हैं वो मिलेगा, और KPA के हिसाब से भी, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ पर जो यूज़ होते हैं। सो यहाँ पर है MI पोर्टेबल एयर कंप्रेसर एंड पीछे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, यूनिट वगैरह, यहाँ पे बारकोड है, फिर दोबारा यहाँ पे ऐसा है, नीचे से ऐसा है, ऊपर से ऐसा है। सो अभी हम जो है इसको खोलेंगे। सो आई गॉट दिस, यू नो, पेपर कटर एंड स्लाइटली ओके। सो अंदर से निकालने के बाद जो है ये कुछ इस प्रकार दिखता है एंड देन ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। एंड दिस इज़ दी पोर्टेबल डिवाइस जिसको जो बॉक्स के अंदर मिलता है। इसमें MI पोर्टेबल एयर के कुछ लिपलेट्स वगैरह दिए गए हैं और अंदर में एक छोटा सा पाउच है और एक छोटा सा पॉलीथीन के अंदर ये है। सो ये पाउच बेसिकली ओके, सो ये MI पोर्टेबल एयर कंप्रेसर जो है इसको डालने के लिए सेफली उसके लिए ये पाउच दिया गया है। और ये जो छोटा सा पैकेट है इसको अगर हम लोग अगर काटते हैं तो इसमें आपको मिलता है इसका चार्जिंग केबल जो USB 4.0 है और यहाँ पे आपको दो नोजल आपको मिलेंगे। ये बेसिकली गाड़ी वगैरह के लिए और ये फुटबॉल के अंदर डालने के लिए, मतलब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जो भी आप खेलते हैं उसको डालने के लिए इसको दिया गया है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं और बैग के अंदर कुछ है नहीं। बैग के अंदर एक छोटा सा दूसरा पाउच टाइप का है जिसके अंदर आप इसको वेलक्रो दिया हुआ है। ये वेलक्रो खोल के आप ये छोटा सा जो पिन है ये अंदर डाल सकते हैं और उसकी जो चार्जिंग वायर है जो इसके साथ आपको मिलेगा वो आप बैग के अंदर डाल के इस वेलक्रो को आप टाइट करके इसको आप अंदर रख सकते हैं। मतलब एक बैग के अंदर आप ये सारे जो सामान है उसको आप रख सकते हो। इसका वजन काफ़ी हल्का है, उतना कुछ भारी भरकम नहीं है। यहाँ पर वार्निंग का एक साइन है और ये बिल्कुल ताले की तरह दिखता है। मतलब जस्ट लुक एट दिस, इट लुक्स, बहुत गर्मी है, सॉरी आई एम स्वेटिंग, एंड ये ताले की तरह दिखता है। ये अगर आप कुछ अगर प्रेस वगैरह करोगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे जो रेड कलर का ये जो आपको दिख रहा है, मैं रेड कलर का, इसको जब आप पुल आउट करते हो तब जाकर के ये ऑन होता है, तब जाकर के ऑन होता है। इसमें आप PSI देखो, इसमें मैं एक बार फोकस इसमें करवा देता हूँ। यस, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें PSI दिया हुआ है और इसमें आप PSI सेट कर सकते हो कितना आपको चाहिए। ये 1 से लेकर के 145 तक PSI, 145 या 50 तक PSI ये जो है ये सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद ये नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली हम लोगों का बाइक्स में कितना चाहिए होता है, मैक्सिमम 36, मैक्सिमम 40 तक जाता है, गाड़ी वगैरह में 35 तक जाता है। सो यस, यू कैन ईजिली गो फॉर इट। यहाँ पे कुछ प्रीसेट के लिए बटन दिए गए हैं, जब आप ये दबाते हो तो ये साइकिल का आ गया 45 PSI, ये मोटरसाइकिल का आ गया ये 2.4 bar, ये गाड़ी का आ गया 2.5 bar, और ये जो बॉल का है ये 0.8 PSI। तो इसमें आपका प्रीसेट PSI दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। उसके बाद आपको अगर चाहिए कि मुझे और भी करना है तो आप बेसिकली ये बटन को आप दबाते हो तो ये 45-50 तक ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइट जल रहा होगा, ये ऑरेंज है, कॉज इसका बैटरी परसेंटेज अभी मतलब 75 से लेकर के 25 के बीच में अगर है तो ये ऑरेंज जलेगा, प्लस 75 है तो ये ग्रीन जलेगा या वाइट जलेगा, और अगर रेड जल रहा है तो मतलब बिलो 25 है। ओके, सो मैं आपको और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे लाइट तो जलते हैं, लाइट के ठीक नीचे यहाँ पे आपको छोटा सा एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जो बेसिकली जो चार्जिंग पोर्ट आपको दिया गया है उससे आपको चार्ज करना है। और यहाँ पे रबर का कैप दिया हुआ है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो इसको जब आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट दिखेगा। तो ये जो है ये बैटरी से चलता है एंड इसके अंदर 2000 mAh का लिथियम बैटरी डाला हुआ है जिसको आपको चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो नीचे छोटा सा जो पोर्ट दिया हुआ है
उस पर आपको अडेप्टर लगाना है, और ज़्यादा हाई वोल्टेज हाई वॉट वाले अडेप्टर यूज़ मत कीजिएगा, उससे ये ख़राब हो सकता है। सो नॉर्मल जो अडेप्टर होते हैं उसको यूज़ कीजिएगा, ये थोड़ा वो टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन ये चार्ज हो जाएगा, उसको चार्ज होने के लिए आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। सो टू चार्ज दिस एंटायर सेट टिल दी 100% आपको 2 घंटे का चार्जिंग आपको चाहिए। नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज कीजिएगा, वो 55 वॉट, 30 वॉट, 35 वॉट, 33 वॉट, जितने भी बड़े वॉट वाले होते हैं सुपरफास्ट चार्जर, उससे मत कीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। इतना पावर इन्हें सक करने का क्षमता इसमें नहीं होता है, बिकॉज ये फ़ोन वगैरह नहीं है। सो नॉर्मल जो चार्जर वगैरह होते हैं उससे आप इसको चार्ज कीजिएगा। और इसके तरफ वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी वेंट है और इस तरफ भी वेंट है, राइट। तो और क्या फंक्शन है, ओके, सो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉर्च है छोटा सा, अगर आप ये वाला बटन अगर आप दबाते हो तो ये टॉर्च जल जाएगा। तो इससे क्या होगा, रात के टाइम पे जब हमारे टायर्स वगैरह जब पंक्चर हुआ था, हमें इन्फ्लेट करना है, तो हम बेसिकली टॉर्च के बटन को दबाएंगे और ये टॉर्च जो है सीधा लाइट आगे थ्रो करेगा, तो हम जो है इस नोजल को हम गाड़ी या बाइक में हम इसको लॉक करके फिर हम इसको दबा सकते हैं। तो अभी जस्ट यू नो फॉर ट्रायल वर्जन मैं देख लेता हूँ। सपोज़ मान के चलो हमें 2 PSI भरना है, 2 PSI, तो वैसे सो 3 से नीचे नहीं जाता है ये, चलो 3 से नीचे नहीं आता, तो हम ये ओके। तो जब हम ये मिडिल वाला बटन को हम ये PSI सेट करके जब हम मिडिल वाला बटन को हम दबाते हैं, सो यहाँ से हवा जो है काफ़ी धीरे से निकलता है, ये उतना फास्ट आपको इन्फ्लेट करके नहीं देगा, इसका जो कैपेसिटी है उस हिसाब से है। अलावा यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ से हवा निकलता है और यहाँ से हवा जो है अंदर की तरफ जाता है, और आप जब इसको वायर को जब आप इसको ऐसे अंदर डाल दोगे तो ये हल्का सा लॉक होगा और ये लाइट बंद हो जाएगा। तो व्हेन यू आर ओपनिंग इट अप तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, मतलब ये मोटर ऑन हो गया है और ऐसे करने से ये बंद हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे ये कितना प्रैक्टिकल है। अभी हम इसको जो है अपने बाइक में यूज़ करेंगे, अपने बाइक के फ्रंट टायर या रियर टायर पे हम इसको लगाएंगे और फिर PSI सेट करेंगे, फिर देखेंगे ये कितना तक कितना जल्दी ये हवा को भरता है, राइट। सो अभी इसको चलते हैं ट्रायल के लिए। ओके, सो हम जो है अपने बाइक के सामने आ चुके हैं और हम इसका कैप को खोल देंगे और इसमें से हम जो है थोड़ा सा हवा निकाल देंगे। सो बाइक के टायर प्रेशर कितने रखने होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे बाइक का जो पीछे का जो एक्सेल होता है उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे फ्रंट राइडर प्लस पिलियन यहाँ पे लिखा हुआ 1.75 और ये हो गया 25, जो 25 जो है ये PSI है, और राइडर प्लस पिलियन अगर है तो पीछे 32, अगर सिर्फ राइडर है तो 28.5। ये बेसिकली अलग अलग बाइक में अलग अलग टायर के अलग अलग हिसाब से होते हैं, सो आप अपने बाइक में देख लेना। सो अभी मैं अपने ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं लगाने वाला हूँ बाइक के व्हील में और देखते हैं ये कैसा काम करता है। सो आपको ये लाइट दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज इसमें GoPro में ऐसा दिख रहा है, मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ। वीडियो मोबाइल से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ये देखो इसमें भी थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन GoPro में कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, तो मैंने इसको सेट कर दिया है 26 और मैं इसको दबा दूंगा। तो अभी 14 PSI है, 15 है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। 16 17, तो ऐसे धीरे 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 जो है ये हवा को ऊपर भर देगा। ओके, सो जैसे ही 26 तक हो गया है, वैसे 27 मैंने किया था शायद से, पता नहीं, लेकिन जैसे ही हुआ ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो बेसिकली अभी मेरा टायर जो है काफ़ी इन्फ्लेट हो चुका है, अभी मैं ये नोजल को खोल दूंगा। सो अभी जो है टायर में अच्छा खासा हवा भर चुका है, हम लोग इसे अभी बंद कर देंगे। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये प्रोडक्ट, डू लेट मी नो। सो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने Xiaomi MI
.com जो है मैंने वहाँ से परचेस किया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 2499, मतलब लगभग एक रुपया कम, 2500 रुपया का सामान है ये। एंड मैं बोलूँगा काफ़ी हैंडी है, बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ पोर्टेबल थिंग्स, एंड इट्स वेरी हैंडी एंड यूजफुल। इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेट। 2000 mAh का इसमें बैटरी भी है, एंड दिस रियली वर्क्स वेल इन दी इमरजेंसी सिचुएशंस। नहीं तो मतलब कहीं पे आपका अगर टायर वगैरह पंक्चर हो गया तो आपने काम चलाओ के लिए आपने 10-15 PSI आपने टायर को इन्फ्लेट कर लिया पंक्चर के बाद, उसके बाद आप ड्राइव किए किसी नो फ्यूल गैस स्टेशन तक या फिर किसी पंक्चर वाले तक, फिर वहाँ से आपने जो है हवा भरवा लिया। सो दिस इज़ वेरी हैंडी थिंग एंड आई विल रिकमेंड एवरी वन टू गो फॉर दिस। आप किसी और के ऊपर निर्भर होने से अच्छा आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर से याद आया बहुत कुछ, लेकिन चलो इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली आत्मनिर्भर बनो, ऐसे वाले प्रोडक्ट खरीदो और अपने साथ रख के इसको चलो। अगर कोई और को अगर मदद लगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स को निकाल के आप उनको हेल्प भी कर सकते हो। सो यस, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ यू हैव लाइक समथिंग डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू यू नो शेयर दिस वीडियो विद योर राइडर फ्रेंड्स, विद योर पीपल हु आर इन दिस सेक्टर, जो लोग राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका उनको दरकार होता है। ऐसे लोगों के साथ ये शेयर करो ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे। विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू यूज़ मास्क एंड यूज़ सैनिटाइजर। घर से कम निकले, सुरक्षित रहें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ट्रिप में भी जाएंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।